अगर डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारी मजबूरी है किसी एक पार्टी को चुनना जो अभी हमारी रूलिंग पार्टी है। एरिया वाइज अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो हम तो आम आदमी पार्टी को ही समर्थन करते हैं। हाँ जी, आपके क्षेत्र में काम हुआ? हाँ जी, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा के क्षेत्र पे, एजुकेशन के ऊपर, और जो दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई है उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अभी कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं आया है जो कि चहल पहल देखा जाए। पार्टी आए ना आए, वोट तो देना। हाँ, वोट तो बिल्कुल दूंगा। क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा डिजर्विंग है? कमल फूल छाप। कमल फूल छाप जी। ओके, वो क्या है वैसे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। चलिए, मोदी जी। मोदी जी जी। अच्छा, यहाँ आप बोल रहे हैं कि आपके नेता आए भी नहीं है और फिर आप नहीं, एक माहौल बाहर का जो देख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से है। मेरे अकॉर्डिंग तो हमारा सरकार जो काम कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके जो नहीं कर रहा उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। जैसे आपका भी जो, आप जो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे काम किए, बट बहुत सारे ऐसे काम भी जो नहीं किए, तो उस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और बीजेपी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, उनका तो बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर लड़ाई, उस पर उनको जीतना होता है। उन्होंने हिंदू वोटर को ट्रैक कर रखा है, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं वो लोग। तो फिर और यहाँ की गवर्नमेंट आती है यहाँ पे बस वादा करके चली जाती है, डेवलपमेंट इस वजह से लैग करता है। और अभी जैसे हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं। हाँ जी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? लेकर पॉलिसी केस में बस मैं कहना चाहती हूँ बीजेपी जो है डिस्ट्रॉय कर रही है, पूरी पूरे अपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। वो एक एक करके जैसे वो है ना 27 आई थिंक 27 27 मेंबर्स है जिन्होंने ऐसे लीकर पॉलिसी बहुत सारे केसेस में पकड़े गए, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया सारे केसेस उन पर क्लोज कर दिए। तो अल्टीमेटली बीजेपी इज डिस्ट्रॉइंग आवर अपोजिशन, वो ब्रेक करना चाहती है अपोजिशन को। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सी सरकार का पलड़ा भारी रहेगा? केजरीवाल आएगा फिर भी। देखो, ऐसे चिल्लाने से केजरीवाल नहीं आता। केजरीवाल के लिए ऐसा कोई काम नहीं करा है जो केजरीवाल को हम वोट दें। सांसद के तौर पर हमारे जो अभी उम्मीदवार है सुषमा जी की जो बेटी हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है और मोदी सरकार में पूरा भरोसा है। तो इसका मतलब जो पिछली वाली सांसद थी बीजेपी से, उन्होंने काम नहीं किया था? नहीं, देखो सांसद का काम नालियां साफ कराना नहीं होता। नहीं, हमको नहीं, नहीं, उनका टिकट को काटा गया। देखिए, 10 साल हो गया मोदी सरकार में, ये एक अच्छी बात है कि किसी भी सांसद को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने दिया जाएगा और उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा या उनको उनकी। मेनका गांधी को 8 बार क्यों बनाया गया सांसद? बेसिकली क्या समझते हैं चुनावी माहौल में, क्या क्या देश का माहौल चल रहा है, किस तरफ जाएगा? केजरीवाल जीतेगा, एक तरफ जीतेगा। अच्छा, एक सेकंड, आपने बोला केजरीवाल जीतेगा लेकिन फिलहाल तो उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, क्या होगा? सरकार नहीं चल रही है। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि किस लिए डाला उस जेल में, इसलिए डाला कि उसने घोटाला करा है। घोटाला करा तो दिखा दो, कोई है, कोई सबूत है? नहीं है ना। फिर बीजेपी के पकड़े जा रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, जेल में डाल दे रहे? तो आपको लगता है मतलब वो गलत कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, आपको सबको पता है। एक बात और, वे बोलते हैं कभी भी देश में मतलब दिल्ली के अंदर कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, वो चाहते ही यही है सरकार तोड़ना बीजेपी। ठीक है, चुनावी माहौल जो भी है, लेकिन दिल्ली के लिए सीएम केजरीवाल ठीक हो सकते हैं लेकिन पीएम के लिए ओनली मोदी, मोदी के अलावा कोई पीएम के लायक नहीं है। नहीं, नहीं, बाकी अगर हम एमपीज की बात करें तो सर जैसे 7 MPs हैं, एक अगर MLA की बात करें तो 70 MLA 7 MP, यानी कि उनकी जो उत्तरदायित्व है वो 10% बढ़ जाता है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सांसद वगैरह तो क्षेत्र में कोई काम हम करते नहीं है। जैसे अब अरविंद केजरीवाल जेल गए, उस पर क्या समझते हैं? गलत कहा, गलत हुआ इसके साथ में। अरविंद केजरीवाल का गलत हुआ? गलत हुआ। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते? इसलिए कह सकते हैं, वो सबके लिए अच्छा काम किया था, काम तो मोदी ने अच्छा किया, बस कि ये है कि इसकी ये गलती कर दी उन्होंने, इसको बंद करवा दिया, ये बंद हुआ, ये गलत हुआ, बस काम ये भी सही कर रहे थे, वो भी सही कर रहे थे, सारे काम अच्छे कर रहे थे। दिल्ली में केजरीवाल ने क्या अच्छा काम? सबके लिए सुविधा अच्छी करी है, पानी फ्री कर रखा है, राशन फ्री कर रखा है।